तो जय हिंद, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत करते हैं आपका झारखंड के गोड्डा रेलवे स्टेशन पे। और ये देख सकते हैं दोस्तों, गोड्डा रेलवे स्टेशन को कितना ऊंचाई पे बनाया गया है। शानदार नजारा। काफी ऊंचाई पे और यहाँ से गोड्डा रेलवे स्टेशन का नजारा यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। निशिकांत दुबे जी, माननीय सांसद। भाई लोग, जैसा आप अभी देख सकते हैं हमारे पीछे लोकोमोटिव लगा है और हम लोग आ चुके हैं लोकोमोटिव के पास और देख सकते हैं कितना शानदार सजाया गया है। और पेप 7 इंजन के साथ चलती है अपनी गोड्डा राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो आज हमको लेके जाएगी गोड्डा से राजेंद्र नगर तक। तो चलिए देख सकते हैं, इधर अपना सिस्टम लगा हुआ है, यहीं से अपने झंडी दिखाया जाएगा और यहीं से ट्रेन का उद्घाटन होगा। तो आइए चलते हैं और इसका टूर देते हैं आपको पूरा, फिर मिलते हैं जर्नी में। और ये देखिए दोस्तों, अपने जनरल कोच को सजाते हुए अपने कर्मचारी रेलवे के, कितना शानदार तरीके से सजाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग शानदार नज़ारा। और ये देखिए दोस्तों, गोड्डा स्टेशन पे मंच लग चुका है, एकदम फूलों की तरह सजाया जा रहा है और काम चल रहा है। और इस तरफ देखिए अपनी नवेली कोचों से सजी, एकदम शानदार गुब्बारों से सजी। और ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। अभी आएंगे अपने माननीय सांसद और विधायक जी और ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग पूरा नज़ारा, क्या शानदार सजाया गया है। और शानदार मैथिली पेंटिंग देख सकते हैं, बिहार की शान। तो ये देखिए दोस्तों, अपने ट्रेन को एकदम सजाया जा रहा है फूलों से और कितना बढ़िया शानदार मैथिली पेंटिंग लगी हुई है अपने पूरे कोचों पे, देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारा है। और अभी 1 बजे इसका उद्घाटन होने वाला है, तो देखिए पूरे ट्रेन को सजाया जा रहा है। और अब भी अपने माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी आएंगे और अमित मंडल आएंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो कुछ कहिएगा इस ट्रेन के बारे में, बोलिए। तो इस ट्रेन के चलने की खुशी में आप कुछ बोलना चाहेंगे, मतलब कैसा लग रहा है आपको, ये पहली बार ट्रेन चल रहा है? हम लोग को पहली बार लग रहा है कि बढ़िया है कि राजेंद्र टू गोड्डा टू रेलवे कर दिया है। हाँ, हाँ। सफर में जी बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि सप्ताह में एक बार चलने का मौका मिला है। अच्छा, कम से कम गोड्डा झारखंड देखने का मौका मिल गया है। अच्छा, कि तो आप लोगों का ड्यूटी कहाँ है? हम लोग को ड्यूटी इसी गाड़ी में है, इसी गाड़ी में एसी कोच में रहेंगे, कोच में अटेंडेंट कोच है हम लोग। अच्छा, तो ये सब रेलवे के स्टाफ है यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप लोग भी साथी में हैं? जी सर। अच्छा, चलो सब लोग साथ में, सब लोग साथ में चल रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए फिर आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इतने कम अंतराल में यहाँ पर ट्रेन रेलगाड़ियों की लड़ी लगाई है। और उम्मीद भी यही करते हैं कि आने वाले दिन में और जो भी क्षेत्र अछूता है उन क्षेत्र में भी रेल परिचालन का काम शुरू होगा। आग्रह करता हूं कि कृपया अपने संबोधन में जिंदाबाद के लोकप्रिय और कर्मठ विधायक जी, मालदा रेल डिवीजन के बहुत ही सफल DRM साहब, क्योंकि इस गोड्डा स्टेशन से ही आप समझ सकते हैं कि जब ये DRM नहीं थे तब यहाँ कितनी मारपीट होती थी, और आज जब से DRM हुए हैं, तीसरी ट्रेन है, कितना आसानी से होता है ऐसे DRM से विकास हो गए। यहाँ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव मेहता जी, पूर्व अध्यक्ष राजेश झा जी, फूल कुमारी जी, संतोष सुहास यादव जी, राघवेंद्र जी, जयप्रकाश यादव जी, पूर्व जिला परिषद की उपाध्यक्ष बहन लक्ष्मी जी, संतोष जी, संजीव जी, प्रेम कुशवाहा जी, आशीष जी, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष गप्पू जी, महामंत्री कृष्ण कन्हैया जी, मुरारी जी,
पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष अजीत जी बबलू जी, हमारे साथ चल रहे हमारे मित्र प्रसादरी जी, हरिकिशोर जी और आए हुए तमाम बहनों भाई, हमने जो 79 जगह फर्स्ट फेज में चिन्हित की और जिसमें 22-24 जगह में काम चालू हुआ है, उसमें बोटा बहुत ही महत्वपूर्ण है और डीआरएम साहब इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और रेल विभाग, रेल मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जो विकसित करने का एक बीड़ा उठाया है, इसके लिए हम लोगों को आभार के अलावा कोई शब्द नहीं है। मैं इस अवसर पर सारे गोड्डा की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और जिस दिन ये खुल जाएगा हमारा देवघर वाला लाइन, तो मैं ये कह सकता हूं कि लंबी दूरी की ट्रेन जिस दिन कोचिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, गोड्डा से चालू हो जाएगा, पुनः आभार, पुनः बधाई, जय हिंद जय भारत। तो ये देखिए दोस्तों, गोड्डा रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी ने अपने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है और ट्रेन अपनी निकल चुकी है गोड्डा रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों पीछे देख सकते हैं शानदार नजारा गोड्डा रेलवे स्टेशन का, और इधर अपना सेटिंग था सारा हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम, और ये गोड्डा रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकलते हुए बाय बाय हो गोड्डा, फिर मिलेंगे जल्दी। अरे देखिए दोस्तों शानदार नजारा है।